डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलना पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्लास नाइन्थ के लिए सब्जेक्ट साइंस को। जैसे कि आपको पता होगा, हम लोग साइंस सब्जेक्ट में एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हुए हम लोग द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को, बायोलॉजी के एक सेक्शन को पढ़ रहे थे। तो चलिए हम लोग उसके आगे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टॉपिक लेंगे वॉकल्स, VACULES, व्हीकल्स। क्या है व्हीकल्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट अरो देखकर लिखा जाए, व्हीकल्स आर अ स्टोरेज सैक्स, CACS। व्हीकल्स आर अ स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड एंड लिक्विड सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट। चलिए यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि व्हीकल्स क्या है। तो व्हीकल्स जो है एक सॉलिड एंड लिक्विड का कम्बिनेशन है, स्टोरेज है। स्टोरेज का मतलब होता है उसको स्टोर करके रखना, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि सॉलिड एंड लिक्विड को जो स्टोर करके रखता है, स्टोरेज करके रखता है, उसमें सॉलिड और लिक्विड होते हैं, दैट इज वो व्हीकल्स कहलाते हैं, ठीक है। व्हीकल्स का मतलब क्या, स्टोरेज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट, यानी कि जिसमें सॉलिड और लिक्विड कंटेंट मौजूद होते हैं या रखे जाते हैं, स्टोरेज होते हैं, उनका स्टोर किया जाता है व्हीकल्स में। नेक्स्ट लिखेंगे एरो, व्हीकल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल्स while plant cell have, इसमें बोला गया कि व्हीकल्स जो हैं स्मॉल साइज में पाए जाते हैं। स्मॉल साइज पाए जाते हैं व्हीकल्स किस में, तो एनिमल में, यानी कि एनिमल सेल में ये स्मॉल साइज में पाए जाते हैं। जबकि अगर प्लांट सेल में बात करें तो ये व्हीकल्स लार्ज साइज में पाए जाते हैं। अगर सवाल आपसे पूछेगा कि व्हीकल का स्मॉल साइज किस सेल में पाया जाता है, राइट आंसर इज एनिमल सेल। लेकिन व्हीकल्स जो हैं वो लार्ज यानी कि बड़े साइज में पाए जाते हैं, किस में, प्लांट सेल में, यानी कि पेड़ पौधों में। पेड़ पौधों की जो सेल्स होते हैं उन सेल में ये जो व्हीकल्स है वो लार्ज साइज में पाए जाते हैं, जबकि एनिमल में स्मॉल साइज पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एरो दिया जाए, लिखेंगे इन प्लांट सेल व्हीकल्स आर फुल ऑफ सेल एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी, बताते हैं क्या है, एंड रिजिडिटी टू द सेल। बोला गया कि प्लांट सेल में जो व्हीकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, तो सेल से फुल होते हैं, मतलब कि पूरा पूर्ण तरीके से भरा होते हैं। इसके कारण उनमें टर्जिडिटी आता है या रिजिडिटी, मतलब होता है फ्री होते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग भोजन, अगर हम लोग को नहीं मिले तो भोजन के लिए हम लोग काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसके पास खुद व्हीकल्स इतने सारे फुल ऑफ रहते हैं, इतने सारे पूर्ण रूप से रहते हैं कि इनमें टर्जिडिटी और रिजिडिटी की क्रिया खुद स्वयं प्रोवाइड करता है, ठीक है।
यानी कि प्रोवाइड कर देता है कोई भी सेल टर्जिडिटी को और रिजिडिटी, यानी कि ये सब फ्री होते हैं, रिजिड होते हैं, मुक्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एरो दिया जाए, लिखेंगे मेनी सबस्टांसेस ऑफ इम्पोर्टेंस, मैनी सबस्टांसेस ऑफ इम्पोर्टेंस इन द लाइफ ऑफ द, इन द लाइफ ऑफ द प्लांट, द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन, प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन, स्टोर्ड स्टोर्ड इन व्हीकल्स, व्हीकल्स इंक्लूड, इंक्लूड इंक्लूड का स्पेलिंग INCLUD, इंक्लूड एमिनो एसिड, एमिनो एसिड कॉमा सुगर कॉमा वेरियस ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन्स, एंड सम प्रोटीन्स। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया ना कि जो भी कोई भी हम लोग, क्योंकि हम लोग मानव जीवन किस पे आधारित है, पेड़ पौधों पे, क्योंकि जब धान के पौधे नहीं होंगे, गेहूं के पौधे नहीं होंगे तो हम लोग भोजन नहीं बना पाएंगे। तो हम लोग जितने भी ह्यूमन लाइफ्स है वो कहीं ना कहीं किस पे डिपेंडेंट है, पेड़ पौधे पे डिपेंडेंट है। और चूँकि पेड़ पौधों के बारे में जानना चाहिए कि पेड़ पौधों जो में जो पाए जाने वाले वैकुल्स होते हैं, क्योंकि वैकुल्स प्लांट सेल में लार्ज साइज में पाए जाते हैं, एनिमल में ये स्मॉल साइज में पाया जाता है। तो ये काम क्या करता है, हम लोग तो सीखे कि ये स्टोर काम करता है, स्टोरेज का काम करता है सॉलिड एंड लिक्विड को कंटेंट में। ठीक है, अब उसके उस जो स्टोरेज करता है उसमें कौन कौन सा चीज़ को स्टोर रखता है, तो पता है एमिनो एसिड, यानी कि पेड़ पौधे में जो है ना, हम लोग अलग अलग तरह की चीज़ें खाते हैं, अलग अलग फल खाते हैं, अलग अलग भोजन बनाते हैं, अलग अलग तरह का व्यंजन बनाते हैं, सब में अलग अलग की क्रिया होती है। किसी में एमिनो एसिड पाई जाती है, किसी में शुगर होता है, किसी में प्रोटीन्स होता है, अलग अलग तरह की कार्बोहाइड्रेट होती है। तो ये सब जो सारे चीज़ें बनती है किसी भी प्लांट्स में, वो वैकुल्स ही स्टोर करके रखता है। ठीक है, जैसे चावल खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट जो पौधे में पाए जाने वाला वैकुल्स है उसमें स्टोर रहता है। और जब हम लोग खाते हैं, जैसे दालें हैं, कोई भी दालें, मसूर दाल, चना दाल, उसमें हम लोग को प्रोटीन्स पाए जाते हैं, तो ये प्रोटीन्स उस पौधे के वैकुल्स में जाकर स्टोर हो जाता है, और फिर हम लोग अपने भोजन में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि मेनी सब्सटेंसेस जो हम लोगों के लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखने वाली है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, भोजन तो ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, शुगर, ये सब हम लोगों को लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है, और वो प्लांट सेल जो है स्टोर करके रखते हैं वैकुल्स में, जैसे कि अमीनो एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, शुगर, लाइक इटीसी। तो इसी तरीके से हम लोग एक और नेक्स्ट एरो वैकुल्स के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट एरो देंगे, ये भी वैकुल्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। लिखा जाए इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कॉमा स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड स्पेशलाइज्ड वैकुल्स, स्पेशलाइज्ड वैकुल्स आल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल, आल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग, इन एक्सपेलिंग एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल, एक्सपेलिंग वाटर एंड सम वेस्टेस वेस्ट फ्रॉम द सेल, वेस्ट फ्रॉम द सेल।
ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे ये बताया गया कि अगर कोई भी यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक अमीबा, हम पहले ही हम लोग डिस्कस किए हुए हैं कि सेल के हम लोग दो टाइप्स होते हैं, एक यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जो यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज दैट कॉल्ड अमीबा। ठीक है, अमीबा एक यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं कि कुछ ऐसे भी सम यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लाइक आप अमीबा को देख लो। अमीबा अमीबा एक यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो स्पेशलाइज्ड क्या करता है, वैकुल्स के एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल। यानी कि देखो, जब अगर मान लिया, देखो एक्सपेले एक्सपेल लिखा है ना, एक्सपेल, तो एक्सपेलियर का मतलब, एक्सपेल का मतलब होता है कि अगर कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा मात्रा में हो जाती है उसको रिलीज करना। जैसे किसी भी अगर सेल में वाटर और वेस्ट मटेरियल की मात्रा अगर ज़्यादा होती है तो हम लोग उसको बाहर कर देने की क्रिया। जैसे ह्यूमंस में भी क्या है, हम लोग मलमूत्र त्याग करते हैं, तो वो कब होता है, जब हम लोग के में चीज़ वो ज़्यादा हो जाती है पाचन क्रिया के बाद, तो हम लोग उसको एक्सक्रिएशन कर देते हैं। तो कहने का मतलब है प्लांट सेल भी वैसे ही सेल हैं, या फिर कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, तो वो एक इम्पोर्टेंट प्ले रोल अदा करते हैं किसी भी एक्सेस वाटर, एक्सेस एक्सेस का मतलब ज़्यादा ज़्यादा वाटर या फिर ज़्यादा वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल का मतलब ख़राब पदार्थ जो होते हैं उसको एक्सपेल करने का काम करते हैं। यानी कि अगर ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो उसको एक्सक्रिएशन करने का काम करते हैं, उसको उत्सर्जन करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे वो वैकुल्स के बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किए। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी बुक से हम लोग चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी के बीच में कुछ क्वेश्चंस के तौर पे बुक्स में दिया हुआ रहता है। अब उन क्वेश्चंस को करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी इज़ द वन ऑफ द बुक जो बेस्ट रहता है फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ना ये एनसीईआरटी की बुक अपने आप में अहम रोल अदा करती है, दैट इज़ अ बेस्ट बुक। ठीक है, इसलिए इनके क्वेश्चंस को करना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर वन, अब इसके बीच का क्वेश्चन मिला है, क्वेश्चन नंबर वन पहले लिख लीजिए फिर हम इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। लिखा जाए, कैन यू नेम द टू ऑर्गेनेल्स वी हैव स्टडीड दैट स्टडीड दैट कॉन्टेन कॉन्टेन देयर ऑन जेनेटिक मटेरियल कॉन्टेन देयर ऑन जेनेटिक मटेरियल। देखिए बात यहाँ पे, सवाल क्या बोल रहे हो समझिए चीज़ों को। यहाँ पे बोल रहे हैं कैन यू नेम द टू ऑर्गेनेल्स, यानी हमें यहाँ से टू ऑर्गेनेल्स का नाम बताना है। ठीक है, दो ऑर्गेनेल्स का नाम बताना है, ऐसा दो ऑर्गेनेल्स जिसको हम लोग स्टडीड करते हैं कॉन्टेंट देयर आवर जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जो हम लोगों की जेनेटिक मटेरियल में उसको कॉन्टेंट करते हैं या फिर पढ़ते हैं, तो वो कौन कौन से टू ऑर्गेनेल्स हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, टू ऑर्गेनेल्स दैट हैव देयर ऑन जेनेटिक मटेरियल आर माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लेस्टिड्स ठीक है,
तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ऐसा कौन से दो ऑर्गेनेल्स हैं, टू ऑर्गेनेल्स हैं, जिसको हम लोग स्टडीड करते हैं जेनेटिक मटेरियल में। तो राइट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लेस्टाइड्स। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लेस्टाइड्स जो हैं, ये दो ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जिसको हम लोग स्टडी करते हैं जेनेटिक मटेरियल में। तो ये दो चीज़ें याद रखिएगा, पहला है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा प्लेस्टाइड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए, क्वेश्चन नंबर टू लिखा जाए। इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड, इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल, ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन। देखिए बोल रहे हैं ना, बोल रहा है कि हम लोग जब ऑर्गेनाइज करते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को देखते हैं, तो फिजिकल और केमिकल के कारण, इक्वेशन के कारण या फिर रिएक्शन के कारण, फिजिकल और केमिकल रिएक्शन के कारण सेल जो होते हैं डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, सेल जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। तो आखिर कब कोई सेल डिस्ट्रॉयड होता है, या कोई भी सेल कब नष्ट होता है। ठीक है, अभी तो हम लोग लिखे कि अगर ऑर्गेनाइजेशन किया जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए, चीज़ों को देखा जाए, तो कभी कभी फिजिकल केमिकल चेंज की वजह से या रिएक्शन की वजह से सेल जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। व्हाट विल हैपन, ये कैसे हो पाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर लिखा जाए, लिखा जाए। सेल ऑर्गेनेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द, रिस्पॉन्सिबल फॉर द, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ सेल, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ सेल एज ईच ऑफ देम, एज ईच ऑफ देम परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शन, परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शन फुल स्टॉप नेचुरली, नेचुरली इफ एनी ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स, इफ एनी ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स आर डिस्ट्रॉयड, आर डिस्ट्रॉयड द फंक्शन ऑफ द सेल, द फंक्शन ऑफ द सेल विल बी स्टॉप्ड, विल बी स्टॉप्ड एंड इट मे आल्सो, इट मे आल्सो रिजल्ट इन द डेथ ऑफ द सेल, रिजल्ट इन द डेथ ऑफ द सेल। चलिए, जैसे कि इसका क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि कोई भी सेल जो होते हैं फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस के वजह से, चेंज की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो ये कैसे हो पाता है, आखिर ये क्यों हो पाता है। सपोज दैट
तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो हम लोग आंसर लिखे जरा समझ जाइएगा, सेल्स ऑर्गेनल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल एज इच ऑफ द परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शन नेचुरली इफ एनी ऑफ द जनरली आर डिस्ट्रॉयड द फंक्शन ऑफ द सेल विल बी स्टॉप्ड। बोला जा रहा है कि हम लोग का जितना भी लाइफ है तो लाइफ सब किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है, सेल से हम लोग का पूरा बॉडी तैयार हुआ है, ठीक है। अब सेल्स में मान लिया जाए कि कोई ऑर्गेनल्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उसका जो प्रॉपर फंक्शन है वो हमेशा सब कुछ सही ढंग से काम कर रहा है, सही ढंग से परफॉर्म कर रहा है, अभी तक की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमारा बॉडी भी सुचारू रूप से चलेगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि हम लोग की बॉडी है, कभी कभी उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, कभी थकान महसूस होता है, दैट इज़ अ सेल थकता है, हम नहीं थकते। जब सेल थकता है फिर हमें अनुभव होता है कि हमें थकान जैसी लग रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब तक सही ढंग से परफॉर्म करेगा हम लोगों का सेल का फंक्शन, तब हमें कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सभी स्पेसिफिक फंक्शन उसके अच्छे ढंग से काम करेंगे। लेकिन नेचुरली किसी टाइम अगर ऑर्गेनेल्स डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, किसी कारणवश ऑर्गेनेल्स क्या हो गए, डिस्ट्रॉयड हो गए, नष्ट हो गए, तो हम लोग ये बोलेंगे कि सेल जो है काम करना बंद कर दिया, सेल जो है अपना काम करना स्टॉप कर दिया। और इसीलिए कहते हैं कि सेल का जो है ना डेथ हो जाता है, यानी डिस्ट्रॉय हो जाता है। यानी सबसे पहले बात करें तो सेल से पहले ऑर्गेनेल्स का डेथ होता है। जब ऑर्गेनेल्स डेथ हो जाता है तो सेल कमज़ोर पड़ जाता है, और जब सेल कमज़ोर पड़ता है वो काम नहीं कर पाता है, वो स्टॉप्ड हो जाता है, उसका काम क्रिया बंद हो जाती है। तो जब सेल स्टॉप्ड हो गया, वो काम करना बंद कर दिया गया, तभी उसको हम लोग बोलते हैं डेथ सेल, ठीक है। यानी वो सेल क्या हो गई, डेथ हो गए, मर गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का ये क्वेश्चन बोल रहा था। फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई आर लाइसोसोम्स नोन एज, ये थर्ड क्वेश्चन है, वाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे बोल रहा है कि लाइसोसोम को सुसाइड बैग के नाम से क्यों जाना जाता है, लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़े भी थे कि लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहा जाता है, उसके पीछे के लॉजिक को भी पढ़े थे। तो फिलहाल इसका आंसर लिख लीजिए, फिर बताते हैं। लिखा जाए, लाइसोसोम आर नोन एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल because they contain lytic enzyme capable of digesting cells and unwanted material. मटेरियल्स, ठीक है। बोला गया कि लाइसोसोम को सुसाइड बैग्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें लिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। कौन से लिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, जो डाइजेस्टिंग सेल्स एंड ऑनवर्ड मटेरियल्स, यानी कि किसी भी सेल्स को या फिर मटेरियल्स को डाइजेस्टिंग का काम करते हैं। इसीलिए इसको सुसाइड बैग कहा जाता है। सुसाइड का बैग का मतलब आत्महत्या, खुद का मतलब आत्महत्या, यानी कि खुद से मर्डर, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि कोई भी सेल जब खुद को आपस में पचा लेते हैं, या किसी भी मटेरियल्स के द्वारा, या बोल सकते हैं लिटिक एंजाइम इसके लिए कैपेबल है, यानी कि कौन सा एंजाइम कैपेबल है,
तो लिटिक एंजाइम किसी भी सेल का डाइजेस्ट खुद कर लेता है, दैट इज कॉल्ड सुसाइड बैग ऑफ सेल, ठीक है, जिसको लाइसोसोम को हम लोग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा जाए, वेयर आर प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल। बोला गया सवाल, वेयर आर प्रोटीन्स सिंथेसाइज इनसाइड द सेल, यानी कि प्रोटीन जो है कहाँ सेल के अंदर सिंथेसाइज हो जाता है, एकत्रित होता है, यानी कि जो किसी भी, हम लोग पढ़े ना अभी, किसी भी एनिमल्स सॉरी प्लांट सेल में प्रोटीन पाए जाते हैं, अमीनो एसिड पाए जाते हैं, ठीक है, और भी ऑर्गेनिक एसिड पाए जाते हैं, तो बोला जा रहा है कि सेल के इनसाइड में ये कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, ये कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं। तो प्रोटीन जो सिंथेसाइज होते हैं वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं, हम लोग पढ़े ना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज इसके टू टाइप्स होते हैं, रफ एंड स्मूथ। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन जो है सिंथेसाइज्ड होते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन आर ई आर फुल स्टॉप, प्रोटीन आर प्रोड्यूस्ड इन द आर ई आर बाय राइबोसोम अटैच्ड टू इट। यहाँ पे क्या बोला गया कि प्रोटीन जो है आर ई आर में सिंथेसाइज्ड होते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर में सिंथेसाइज्ड होते हैं। सवाल बोल रहा था कि कहाँ सिंथेसाइज्ड होते हैं, तो आर ई आर में। अब ये कैसे प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन्स को, तो ये राइबोसोम अटैच्ड रहता है किसके साथ, तो आर ई आर के साथ, यानी आर ई आर के साथ राइबोसोम अटैच्ड होता है, और राइबोसोम ही क्या करता है, प्रोड्यूस्ड करता है, मतलब निकालता है, छोड़ता है किसको, प्रोटीन्स को, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे ये समझे, सवाल बोल रहा था कि प्रोटीन्स जो है सेल के इनसाइड में वेयर कहाँ सिंथेसाइज्ड होते हैं, आंसर हुआ आर ई आर में, यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज्ड होते हैं। अब ये कैसे होते हैं, तो हम लोग लिखे कि प्रोटीन्स जो है प्रोड्यूस्ड होते हैं आर ई आर में, किसके थ्रू, तो बाई राइबोसोम, जो आर ई आर से अटैच्ड होते हैं, ठीक है, आर ई आर से अटैच्ड होते हैं राइबोसोम। तो कुल मिलाकर ये क्वेश्चन में एन सी आर टी का टोटल 4 क्वेश्चन था, और इन चारों क्वेश्चंस को हम लोगों ने किया अच्छे तरीके से। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक धन्यवाद।